रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे वाह, रोटी फ्री में कहाँ मिलती है, जरा मुझे भी तो बता, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आंटी मैं आपके अगर हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दो रोटी दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाथ जोड़ने से रोटियाँ नहीं मिलती, अगर रोटी खानी है ना तो पहले कुछ काम करना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ आंटी मुझे मंजूर है, लेकिन काम करने के बाद आप मुझे दो रोटी दोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुझे दो रोटी नहीं बल्कि पूरी चार रोटी दूंगी और साथ में सब्जी भी। हाँ आंटी आप सच कह रही हो ना, आप दो रोटी नहीं चार रोटी दोगी साथ में सब्जी भी? हाँ हाँ मैं सच बोल रही हूँ, चल अब जल्दी से काम पे लग जा। क्या करना है आंटी काम? वो देख वो जो सामने बर्तन है ना, जल्दी से उन्हें साफ कर दे। अभी कर देती हूँ। सारे बर्तन धो दिए, अब आप जल्दी से मुझे दो रोटी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है रोटी तो मैं तुझे दे दूंगी, बस एक छोटा सा काम हो रहा है, तू वो कर दे। बोलो आंटी क्या काम है? वो देख वो जो सामने झाड़ू रखी है ना, उसे उठा और पूरे घर को साफ कर दे, फिर मैं तुझे गर्मा गर्म रोटी पका के दूंगी। हाँ आंटी अभी कर देती हूँ, उसके बाद आप मुझे दो रोटी दोगी ना? हाँ हाँ जा पहले काम कर। इधर बैठ और मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लेके आती हूँ। ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, 10 घरों के जाने के बाद यहाँ रोटी मिली है। कुछ और काम भी रह गया क्या? नहीं तो मुझे सबसे पहले ये बता, तू तो मुझे कह रही थी कि तुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और अब तू ये रोटियां क्यों नहीं खा रही, पहले बता मुझे। आंटी ये मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रही हूँ जो बहुत बीमार है और उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। और तूने कुछ खाया है क्या? नहीं आंटी मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारे घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है। भूख तो तुझे भी लगी है ना, तो फिर ये रोटी तू ही खा ले। नहीं आंटी ये मैं अपनी माँ को ही खिलाऊंगी, जब माँ खुद भूखी रहकर मुझे रोटी खिलाती थी तो अब मैं नहीं खिला सकती। लोग तो ऐसे ही बेटियों को कोख में मरवा देते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं। गुड़िया तू मुझे एक बात बता, तेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते क्या? नहीं आंटी मेरा पापा तो 1 महीने पहले एक्सीडेंट में
मारे गए थे और मेरी दादी ने मुझको और मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। घर में जितने भी पैसे थे वो मम्मी की दवाई पर लग गए और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। गुड़िया तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, एक काम कर, तू ये रोटी खा ले और तेरी माँ के लिए मैं गर्मा गर्म रोटी और खिचड़ी बना लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर तेरे घर चलेंगे और मैं तेरी माँ को एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। क्या आप सच कह रही हो आंटी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी? जिस माँ की तेरी जैसी बेटी हो, भला उस माँ को कभी कुछ हो सकता है? आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पता नहीं लोग बेटियों को बोझ समझ के कोख में क्यों मरवा देते हैं। बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं।